नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर ऑटोमोटिव इंडिया। अभी आपने हमारी लास्ट टू वीडियोस देखी होंगी। पहली डीजल इंजन्स के ऊपर थी, सेकंड थी डीजल इंजन्स के ऊपर 10% GST बढ़ाने के ऊपर। आज थर्ड वीडियो है, ये तो इतनी कमाल की होने वाली है। मैं शायद सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ भी सरकार के सोच या विचार में हो सकता है। पर कहते हैं ना कि ये तो इनफाइनाइट वहाँ जा रहे हैं, लेवल पे जा रहे हैं, तो वहीं जा रहे हैं। डीजल से अभी तो उनको ऐतैसी करवा रहे थे डीजल की, अब कहते हैं जो नया आपके सामने बयान आया, सुनिए द स्टेटमेंट। ईवी मेकर्स नो लॉन्गर नीड टू बी सब्सिडाइज्ड। ईवी को मिलने वाली सब्सिडी के लिए कह रहे हैं इसको बंद कर दो, इसकी नीड ही नहीं है हमें। एक तरफ चल रहा था कि ईवी में आप शिफ्ट कीजिए इसलिए हम डीजल इंजन बैन करेंगे, ईवी के अंदर जो बेनिफिट्स थे अब कहते हैं कि वो आपको नीडेड ही नहीं है। तो बेसिकली आखिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कोई पॉलिसी है भी, या आज सुबह उठ के मेरा ये मन किया तो मैं ये खाऊंगा, शाम को मेरा मन किया तो आज ये खाना तो आज मैं ये खाऊंगा, अगले दिन सुबह उठ के मेरा मूड बदल गया आज हम ये करेंगे। अब आप लोगों को मैं इसके आगे क्या बोलूँ। ईवी ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव है, ईवी गाड़ियाँ 10 लाख से नीचे आपको ईवी में शायद एक दो आती होंगे। जैसे मैंने आपको कहा डीजल गाड़ियाँ भी 10 लाख से नीचे नहीं बची हैं, वैसे ईवी गाड़ियाँ भी नीचे स्टार्ट नहीं होती हैं, ऑलरेडी नॉन अफोर्डेबल हैं। कार एसयूवी आपके सामने लोग के सेंटिमेंट से जुड़ी हुई चीज़ है, काफ़ी लोग अपना मनी को सेव करके खरीदते हैं। कोई ये तो है नहीं रोज रोज गाड़ी उठा के ले आता है, कोई ऐसा तो है नहीं भाई। जो है वो सेगमेंट ही अलग है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता सरकार की पॉलिसियों से। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर रोज़ रोज़ सरकार के ऐसे डिसीजन आएंगे तो कैसे होगा। ये सेम डिसीजन जब आया जब यूपी गवर्नमेंट ने ईवीज़ के ऊपर रोड टैक्स को माफ़ कर दिया 100%, जहाँ पे एक तरफ एक गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हम ईवी को पुश करें, लोगों को कुछ बेनिफिट दें, वहीं पे जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से आपके सामने ऐसी स्टेटमेंट आती है कि ईवी डजेंट नीड एनी सब्सिडी, तो आप खुद बताइए कि ईवी के ऊपर रोड टैक्स देंगे आप? ऑलरेडी आपके सामने ढंग की एक ईवी लेने जाएंगे 15 से 20 लाख की, उसके ऊपर रोड टैक्स देंगे? फिर पेट्रोल गाड़ी ना ले आए, पेट्रोल गाड़ी कैसे लाओगे आप लोग? उसके अंदर उनको इथेनॉल मिक्स करना है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इथेनॉल कितने मज़ेदार चीज़ है, कि इथेनॉल मिक्सिंग के चक्कर में हम लोग किस कंडीशन में आ चुके हैं। बस इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। तो तैयार रहिए, ईवी भी जो लोग खरीदने का प्लान कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तैयार रहिए, आपको पूरा रोड टैक्स देना पड़ेगा डीजल गाड़ियों के बराबर। बाकी सब छोड़िए, डीजल गाड़ियों के बराबर आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।